उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 था, उसका टॉपिक है हाफ लाइफ। प्रीवियस हमने पढ़ा था न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन के बारे में, पढ़ा था अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कैसे इमिट होती हैं, वो सारा प्रोसेस हमने स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे कि हाफ लाइफ क्या चीज़ है, हाफ लाइफ किसे कहते हैं। सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, लाइफ या जिंदगी, पूरी जिंदगी एवरेज इंसान की, 40 to 60 ईयर्स। अगर हम एग्जैक्ट कह रहे हैं कि एक इंसान की उम्र जो है लाइफ है 60 ईयर्स है, तो वो उसकी फुल लाइफ होगी। फुल लाइफ यानी 1 ईयर से, यानी वन सेकंड से होता है जब कोई न्यू जनरेशन आती है या कोई बंदा इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, 1 सेकंड से लेके 60 ईयर्स तक टोटल जो लाइफ स्पैन होगा उसे हम फुल लाइफ बोलेंगे। अब हाफ लाइफ क्या चीज़ है, अगर उस इंसान की उम्र 30 ईयर्स हो जाए, 60 ईयर फुल है, अगर वो 30 को क्रॉस करे या 30 की लिमिट में इंटर हो जाए, तो 30 ईयर्स जो होगी उसकी हाफ लाइफ होगी। फुल लाइफ 60 ईयर्स, हाफ लाइफ 30 ईयर्स। तो सेम फिनोमिना है न्यूक्लियर रेडिएशंस का या न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का। वो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडिएशंस निकालते हैं। एक एलिमेंट फुल रेडिएशन निकालता है फुल लाइफ में, वही एलिमेंट अगर अपनी हाफ रेडिएशंस खत्म कर दे, हाफ रेडिएशंस को निकाल दे, तो उसके उस जितना टाइम उसे हाफ रेडिएशंस निकालने में लगेगा वो उसकी हाफ लाइफ होगी। क्लियर है? यानी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस निकालता है, इतना टाइम, कितना टाइम लगेगा कि वो अपनी आधी रेडिएशंस को निकाल दे, आधी रेडिएशंस को निकाल के वो आधा एलिमेंट स्टेबल हो जाए, उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है? तो हाफ लाइफ में सब कुछ आ जाता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आ जाते हैं। यानी एक एलिमेंट लेते हैं, उसे डिके करने के लिए, उसे स्टेबल होने के लिए क्या उस पर डिपेंड करता है कि वो अल्फा रेडिएशन निकालेगा, बीटा निकालेगा, गामा निकालेगा, उसकी वैलेंसीज पे या उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। अब कितना टाइम लगेगा, फॉर एग्जाम्पल हम एक एलिमेंट लेते हैं जो अल्फा रेडिएशन निकालता है, तो एक एलिमेंट अनस्टेबल है, अल्फा रेडिएशन निकालेगा खुद को स्टेबल करने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा कि वो आधा एलिमेंट अपने, यानी आधे अल्फा रेडिएशन अपने आप से निकाल दे, यानी अपने न्यूक्लियस से आधे अल्फा एलिमेंट्स निकाल दे, उसे कितना टाइम लगेगा, वो उसकी होगी हाफ लाइफ। क्लियर है? तो हाफ लाइफ को हम इंटीग्रेट करते हैं h equals to h not 1/2 t। ये है जो हमारे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो होगी डिपेंड करेगी कि ओरिजिनल एलिमेंट का आधा होना है और कितनी देर में होना है। यानी देखें हाफ लाइफ है ओरिजिनल एलिमेंट की, ओरिजिनल लाइफ कितनी है, टोटल लाइफ कितनी है। अब हाफ कैसे निकालते हैं, टोटल को 2 पे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 है इसका हाफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ओरिजिनल अमाउंट को अगर 2 पे डिवाइड कर दे तो उसका हाफ निकल आता है। क्लियर है? तो ओरिजिनल अमाउंट को 2 पे कर दिया डिवाइड तो उसकी हाफ निकल आएगी, और कितनी देर लगेगी ओरिजिनल अमाउंट को हाफ होने में, वो उसका हो जाएगा हाफ लाइफ। क्लियर है? चलिए जी दोबारा से सुन लें, एच होगी हाफ लाइफ, किस पे डिपेंड करेगी। अब किसी भी चीज का हाफ निकाल दे तो ओरिजिनल अमाउंट को 2 पे डिवाइड कर दो, और उसे 2 को डिवाइड करके उसका हाफ हो जाएगा। अब लाइफ की बात करें तो लाइफ सारी बात है टाइम स्पैन होता है, टाइम होता है, तो इस पूरी अमाउंट को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, ये उसकी हाफ लाइफ होगी। ये चीज हमारे पास हाफ लाइफ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाफ लाइफ जो है डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे। वेरियस फैक्टर्स कौन से, ये मैंने आपको बता दिए। इंडिपेंडेंट बहुत सी चीजों पे होते हैं। कैसे इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंस है इसकी कि इसे टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, फिजिकल कंडीशंस इफेक्ट नहीं करती, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी इफेक्ट नहीं करता। कोई भी एलिमेंट है उसे आधा डिके होने में या आधी रेडिएशंस निकालने में कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ उसे बोलेंगे। अब उस हाफ लाइफ को, उस हाफ लाइफ में कन्वर्ट होने के लिए उसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर डिस्टर्ब नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पानी का एक ग्लास रखते हैं, उस ग्लास को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, वो उसकी हाफ लाइफ होगी। अब फिजिकल कंडीशंस उसे इफेक्ट क्यों नहीं करती, रीजन ये है कि फिजिकल कंडीशंस अगर हम खुद से चेंज करें तो इफेक्ट करेगी, अदरवाइज उसे इफेक्ट नहीं करती। क्योंकि एलिमेंट जो पानी तो स्टेबल होता है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है,
कुछ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दे डिक्रीज कर दे वो है ही अनस्टेबल, वो ऑलरेडी अनस्टेबल है, वो खुद को स्टेबल उसने करना ही करना है, तो वो अपने अंदर से रेडिएशन लाजमी निकालेगा। ये नहीं कि एक अनस्टेबल एलिमेंट उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो वो स्टेबल हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। अब उसने अगर एक चीज है ही अनस्टेबल तो उसे आप जितना मर्जी डैमेज कर लें उसने रहना अनस्टेबल ही है, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन तो वो निकालेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम ले लें, उसके ऊपर आप हाथ रख के से दबाना शुरू कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा अप्लाई कर दें, तो होगा ये कि उसके ऊपर जो अमाउंट है अमाउंट पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी अमाउंट तो सेम रहेगी, उसे आधा होने में टाइम तो लगेगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी चीज एक्सटर्नल फैक्टर्स पे असर ना करे तो हाफ लाइफ जो है वो एलिमेंट होगा जितना टाइम लेगा उसे हम हाफ लाइफ बोलेंगे। अब पानी की बात करते हैं, पानी की एग्जांपल दी थी, अब मैंने ये बोला है कि फिजिकल कंडीशन इफेक्ट नहीं करते, अगर हम खुद से अप्लाई करेंगे देन इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पानी को ले लें, एक ग्लास पानी ले लें, नीचे से उसे गर्म करना शुरू कर दें तो वो तो वेपोरेट हो जाएगा, तो वेपोरेशन हो जाएगी ना उसकी, हमने खुद से उसको डिस्टर्ब किया है। अगर कोई फैक्टर हम खुद से अप्लाई ना करें, फिजिकल कंडीशन खुद से चेंज ना करें, या खुद से कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पर एक्सटर्नल फैक्टर के साथ रिएक्शन ना करवाएं, तो हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, वो सभी एलिमेंट्स के लिए सेम रहती है। अगर एक प्लास्टिक एक यूरेनियम का एलिमेंट है उसे हाफ लाइफ होने में 10 दिन लगते हैं, तो 10 यूरेनियम एटम को भी 10 दिन ही लगेंगे हाफ लाइफ होने में। ये नहीं है कि उस अमाउंट ज़्यादा करने से या उसके ऊपर दबाव डालने से या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से, उसमें टेम्परेचर अगर खुद से करेंगे तो फिर इफेक्ट आएगा, अगर एटमॉस्फेरिक का हम रिएक्शन करवा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फिजिकल कंडीशन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। नेचुरल फिजिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, हम खुद से अगर कोई चीज़ अप्लाई करेंगे, और ये तो नहीं है कि 10 एलिमेंट हम पड़े हुए उसको उठा के वैसे ही एक एलिमेंट रख दूँ बाकी को छोड़ दूँ, तो खुद से जो है वो फर्क पड़ेगा, नेचुरल फिजिकल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी बात करते हैं कि हाफ लाइफ को मैयर किस तरह किया जाता है। मैयर करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, यह है फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ क्या होती है, थर्ड हाफ लाइफ क्या होती है, फोर्थ हाफ लाइफ क्या होती है, वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। चलिए जी स्टडी करते हैं। एक एलिमेंट है उसे आधा होने में, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट ए ले लिया मैंने, इसकी हाफ लाइफ है 1/2, ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। अब ये एलिमेंट हो गया पूरी में से इसकी हाफ लाइफ सेकंड हाफ लाइफ ये होगी कि जो आधा आगे रिमेनिंग बचा है उसका हाफ होगा। ये नहीं कि ये लाइन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर दो, ये थोड़ी सी नीचे, इक्वल डिस्टेंस आएगा, इक्वल नहीं आएगा। अगर फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब है कि टोटल अमाउंट का हाफ, टोटल अमाउंट का हाफ उसका मतलब कि इतना हिस्सा खत्म हो चुका है, इतना हिस्सा डिके हो चुका है। सेकंड हाफ लाइफ निकालोगे तो 1/2 by 1/2 करना है, ये नहीं कि 1/2 आप इसके अंदर ऐड करना, ऐड करना नहीं है, इसके मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेकंड हाफ लाइफ जो होगी वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसका हाफ होगा। ये नहीं कि टोटल अमाउंट को आपने 400 में डिवाइड कर देना है, टोटल अमाउंट को 400 में डिवाइड करना, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसका आपने आधा करना है। अब ये भी आधा हो गया, ये खत्म हो गया। थर्ड हाफ लाइफ अगर निकाल लिया तो 1/2 by 1/2 by 1/2, यानी जो उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसका आधा होगा। क्लियर है? अब ये देखिए टोटल हाफ लाइफ, टोटल एलिमेंट की हाफ लाइफ ये हो गई, सेकंड हाफ लाइफ की बात करनी है तो ये हो गई, थर्ड हाफ लाइफ की बात करनी है तो ये हो गई। क्लियर? अब ये देखिए ये ज्यादा, ये कम, ये उससे कम, ये उससे कम होता जाएगा, एंड में जो एलिमेंट होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब ये नहीं करना कि इसे अगर सेकंड हाफ लाइफ निकाले तो एक मिनट यहाँ पे लगी को रही है, ये इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा, ये सेकंड हाफ लाइफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब है कि पहला हिस्सा खत्म हो चुका है, ये स्टेबल हो चुका है, इतना जो चीज स्टेबल हो चुकी है वो डीके नहीं होगी, बाकी इतनी चीज स्टिल अनस्टेबल है। तो सेकंड हाफ लाइफ का मतलब है कि इतने पोर्शन का और आधा, तो इतनी चीज और स्टेबल हो जाएगी। क्लियर है? ये वाला पोर्शन और स्टेबल हो जाएगा, पीछे सिर्फ इतना सा पोर्शन बचेगा। इसकी भी हाफ लाइफ निकाली तो इसका आधा ये आएगा, इसकी हाफ लाइफ निकाली तो इसका आधा ये आएगा। तो इस तरह करते करते जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ लीनियर नहीं बनता, डायरेक्ट रिलेशन इस तरह, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये इनवर्स रिलेशन होता है, ये रैंडम ग्राफ होता है। तो लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, रैंडम ग्राफ बनेगा। लीनियर का मतलब ये है कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस आ रहे हैं, ये वाला इक्वल डिस्टेंस में या इक्वल इक्वल अमाउंट में हाफ लाइफ नहीं होती। फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब पूरे एलिमेंट का आधा, ये देखें ये पूरा एलिमेंट है, इसकी हाफ फर्स्ट हाफ लाइफ इतनी होगी। सेकंड हाफ लाइफ की बात करेंगे तो इतनी अमाउंट तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, सेकंड हाफ लाइफ इतनी रिमेनिंग अमाउंट का आधा होगी, अब यहाँ तक होगी, इतना खत्म हो चुका है, आगे अगर आधा निकालना तो यहाँ से होगी। तो इतनी अमाउंट जो आधी हो चुकी उसे आपने नहीं छेड़ना। अगर सभी इक्वल अमाउंट में होती, यानी ये हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये इक्वल डिस्टेंस होना था, इसमें ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि पूरी एलिमेंट का आधा ये, बाकी एलिमेंट का फिर आधा, फिर उससे बाकी एलिमेंट का फिर आधा। क्लियर है? तो इस तरह ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बनेगा, आपकी बुक्स के अंदर बना हुआ है। पूरा अमाउंट, पूरी अमाउंट का आधा ये पूरी अमाउंट है। फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करते हैं तो पूरी अमाउंट का आधा ये बच जाएगा, ये इस तरह, ये पूरा अमाउंट है। फिर इसका आधा क्या होगा, इसका आधा ये हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, इसकी भी ये हाफ लाइफ होगी। तो पूरी बाकी अमाउंट स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, इतनी अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका आपने हाफ निकालना है। तो ये है जी हमारे पास हाफ लाइफ, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। फर्दर कोई कन्फ्यूजन होता पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी था, इसे अच्छे से तैयार करें। सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है, कोई इसमें फर्दर कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, रीड करें अच्छे से। फर्दर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।